दादा दयालु यानी एमएलए रमेश मेंदोला अक्सर ही भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूबे नजर आते हैं, जहां वे एक बार फिर से दादा दयालु यानी एमएलए रमेश मेंदोला की शिव भक्ति चार धाम यात्रा के दौरान देखने को मिली, जहां दादा दयालु ने अपने हाथों से रेत की शिवलिंग बनाकर गंगा जल से उसका अभिषेक किया। देखिए खास रिपोर्ट। चार धाम की यात्रा पर निकले दादा दयालु, अपने हाथों से बनाया रेत का शिवलिंग, गंगा जल से शिवलिंग का किया अभिषेक। दादा दयालु इन दिनों चार धाम की यात्रा पर है, जहां से उनकी भक्ति भाव की अलग अलग वीडियो सामने आ रहे हैं। दादा दयालु का एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दादा दयालु अपने हाथों से रेत की शिवलिंग बनाकर गंगा जल से उसका अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो एमएलए रमेश मेंदोला अक्सर ही भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूबे नजर आते हैं, जहां अब एक बार फिर दादा दयालु यानी कि एमएलए रमेश मेंदोला के शिव भक्ति चार धाम की यात्रा के दौरान देखने को मिली, जहां दादा दयालु ने अपने हाथों से रेत की शिवलिंग बनाकर गंगा जल से उसका अभिषेक किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।